एग्जामिनेशन को लेकर आप सभी लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं और इस वीडियो के अंदर सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपके आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड के एग्जामिनेशन कब तक होने वाले हैं और किस पैटर्न के आधार पर आपकी जो परीक्षाएं हैं वे करवाई जाएंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज मॉर्निंग में मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था, इस अधिसूचना को आपको बताया था, जो कि 21 जुलाई को राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की तरफ से अपलोड की गई थी, जिसके अंदर 2021-22 की परीक्षाएं जितनी भी होने वाली हैं, 2021-22 प्रथम वर्ष बीए और बीए एलएलबी और एलएलबी और साथ के साथ बीएड की परीक्षाएं, ठीक है। तो 3 सितंबर से आपकी जो परीक्षाएं हैं वे कराई जाएंगी और आपका जो शेड्यूल है वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे छात्र ऐसे कह रहे हैं हमसे कि भैया आगरा यूनिवर्सिटी के कब होंगे। तो आगरा यूनिवर्सिटी से आप लोग अगर यहाँ पर 3 जिलों से अगर बिलोंग करते हैं, जिसमें कि अगर आप लोग एटा से हैं, कासगंज से हैं, या फिर आप हाथरस से हैं या अलीगढ़ से हैं, तो पहले इन सभी जिलों की यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अभी इस वाले नए सेशन से क्या हुआ है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कर दी गई है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के हों, या फिर अगर आप बीएड और एलएलबी और बीए एलएलबी के 2021-22 के छात्र हैं, तो आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय करवाने वाला है। तो यहाँ पर आपकी जो डेट है वो आ चुकी है, आज 21 तारीख को ये नोटिस पब्लिश किया गया है। आपकी जो परीक्षाएं हैं वे 3 सितंबर से होने वाली हैं। ये तो रहा इन सभी छात्रों का पूरा जो यहाँ पर इनका नोटिस पब्लिश किया गया है, इन सभी लोगों का जो पेपर है वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैंने इस वीडियो को अपलोड कर रखा है तो बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब बात करने वाले हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी के, यानी कि एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़ के नहीं है और किसी जिले से हैं आप, तो आपकी आगरा यूनिवर्सिटी ही बीएड के पेपर करवाएगी। और 2021-22 सेशन के नहीं है तो भी आपकी जो परीक्षाएं हैं वो आगरा यूनिवर्सिटी कराने वाली है। कुछ कॉलेजेस की तरफ से इस टाइप के मैसेज जो है छात्रों को भेजे जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मुझे नहीं पता। ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट जो है शेयर किया गया है कि भैया हमारे कॉलेज की तरफ से यहाँ पर ये जो है स्क्रीनशॉट या फिर ये मैसेज भेजा गया है। आप इस मैसेज को देख पा रहे होंगे। आप सभी को सूचित किया जाता है आपका पेपर अगस्त पहले हफ्ते से हो सकता है। आप सब अपनी तैयारी बनाए रखें, सभी का जो पेपर है OMR शीट पर होने वाला है, ठीक है। और आप सब ऑनलाइन क्लास करिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। अब ये मैसेज है काफ़ी सारे कॉलेज की तरफ से भेजा जा रहा है, यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज अभी कोई नहीं भेजा गया है। अच्छा, इंटरनल अगर जानकारी की बात करें तो इंटरनल जानकारी इतनी ही है कि 25-26 जुलाई तक आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी परीक्षाएं कब से होंगी। इस महीने में तो आपकी परीक्षाएं बिल्कुल भी नहीं होंगी, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अगस्त के महीने में ही होने वाली है। और अगस्त के पहले वीक या फिर दूसरे वीक तक आपको जो परीक्षाएं हैं वे देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर ये है फाइनल अपडेट और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपनी तैयारी में लगे रहिए। अच्छा, पेपर जो आगे बढ़ते जा रहे हैं इससे आपको भी बेनिफिट है, क्योंकि आपको थोड़ी सी तैयारी का और वक्त मिल रहा है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, अगर आप अभी से भी स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास काफ़ी टाइम मिल जाएगा। आपकी जो परीक्षाएँ हैं उनका पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। OMR बेस्ड आपका परीक्षाएँ हो सकती हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था उस नोटिस के अंदर जो कि कॉलेज की तरफ से भेजा गया था, है ना। 99% चांसेस ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि ये पेपर जो आपके हैं लेट भी हो रहे हैं, तो 99% चांसेस हैं कि आपकी जो सभी परीक्षाएं हैं वे OMR बेस्ड करवा ली जाएं, ठीक है। और 1% चांस ये भी बन रहे हैं भाई कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वे डिस्क्रिप्टिव भी करवाई जा सकती है, ये भी चांस बन रहे हैं, है ना। तो क्लियर कुछ भी नहीं है, आप अपनी तैयारी डिस्क्रिप्टिव की करें और आप उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप OMR पैटर्न वाले जो मॉडल्स हैं उनसे आप अपनी प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोग दोनों तरह के पेपर की तैयारी कर पाएंगे और आपको कोई भी घाटा, कोई भी नुकसान नहीं होने वाले हैं पेपर के दौरान। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो नीचे कमेंट कर दें या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, उसका लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और वहाँ पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। कोई भी क्वेरी है या फिर किसी भी तरह की क्वेरी है ना, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर भी आ सकते हो, है ना। तो टेलीग्राम पर आपको सभी प्रकार के नोट्स मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप लोग अपडेटेड रहते हैं। वीडियो नहीं आती है तो वहाँ पर मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम को भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।